अष्टदिवस्य गो सत्संग महिमा के अंतर्गत आज भागवत जी का दूसरे दिन का प्रारंभ, और उस प्रारंभ में व्यासपीठ से आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। आइए प्यारे, भगवान की दिव्य यात्रा में प्रवेश करें उसके पूर्व एक दो मिनट हरिनाम आश्रय करें, और फिर हमारे पास शेष जितना समय है उस समय में थोड़ी बहुत चर्चाएं करेंगे। भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोपाला, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोपाला, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोपाला, भजोरे मन भजोरे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल, भजोरे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल, भजोरे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल, भजोरे मन भजोरे मन गोपाला, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोपाला, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोपाला, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोपाला। गोविंदा गोविंदा गोपाल, गोविंदा गोविंदा गोविंदा
रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए प्यारे, कल की कथा को याद करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, और भगवान भी अनंत है। जिसको संतों ने अपनी अपनी जैसी जैसी जानकारी हुई वैसे वैसे भगवान को समझा गाया, ऐसे भगवान वांग्मय स्वरूप भागवत जी के चिंतन के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं। यहां स्वयं भगवान के ही आराध्या उपास्या पूज्या गौ माता निवास कर रही है, जिनमें स्वयं भगवान ही विराजित है, या तो गौ माता ही भगवान है, दोनों एक ही है, जैसे समझे। गत दिवस की कथा में हम लोगों ने चर्चा करी थी, भागवत जी के महात्म्य की चर्चा सुनी थी। भागवत क्या है? तो कहते हैं भगवता उदितम सभागवतम। जो भगवान से उदित हुआ है, या तो स्वयं भगवान ही है ऐसा भागवत। तो भागवत क्या करता है हमारे जीवन में? तो कहते हैं भागवत हमारे जीवन में प्रकाश की वृद्धि करता है। भा दीप्तो प्रकाशः, भा भास्करः, भा माने भास्कर, भा माने उजास। तो यहां शब्द भागवत चार अक्षर हैं, एक शब्द है। पहला अक्षर है भ, भ माने प्रकाश। जिस कथा को सुनने से, जिसके आचरण से, जिसके विचार से हमारे जीवन में प्रकाश की वृद्धि हो, ऐसा भ। और जब व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आ जाता है तब क्या होता है? बोल तब ज्ञान की वृद्धि होती है। तो दूसरा अक्षर है ग, ग से ज्ञान प्रकट होता है। और ज्ञान जब प्रकट हो जाता है तब व्यक्ति भगवान और भगवान की बनाई हुई प्रकृति में अपनी विचार से समझ पाता है। सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, ये सब समझने की जो ज्ञान वृत्ति है वो जगती है। तीसरा अक्षर है व माने वृत्ति। हमारी वृत्ति स्थिर होती है, हमारी वृत्ति जो इधर उधर भटक रही है वो स्थिर हो जाती है। और लास्ट और अंतिम वाला अक्षर है त। त से तप भी होता है और त से त्याग भी होता है। तो पहला अक्षर है भ, भ माने प्रकाश। दूसरा अक्षर है ग, ग माने ज्ञान की वृद्धि। तीसरा अक्षर है व, व माने वृत्तियां शांत हो जाती है और तप की वृद्धि होती है। लास्ट वाला अक्षर है त, त से तृप्ति, तप त्याग। और गीता में तो भगवान कहते हैं
त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग से शांति का अनुभव होता है और त्याग में जितनी शांति है वो और कहीं जगह नहीं है, एक संतोष। इसलिए तो हम लोग कहते हैं भैया सेवा करो, गायों में कुछ दो, क्योंकि देने से शांति मिलती है और जिन लोगों ने अनुभव किया है वो तो जानते हैं। गाय हमारी उपास्या है, आराध्या है, इसलिए त्यागो, त्यागने से शांति मिलती है, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। तो त्यागना ही हमारे जीवन का अंत वाला भाव रहता है। प्रकाश आता है तब ज्ञान का प्रस्फुरित होना होता है, ज्ञान जब बढ़ जाता है तो वृत्तियां शांत हो जाती है और वृत्तियां जब शांत होती है तब व्यक्ति में त्याग और तप की बलिष्ठ कर्म गति प्राप्त होती है और जब त्याग और तप करने वाला व्यक्ति बनता है तब उसकी भगवान की ओर प्रीति और भक्ति, गौ माता की सेवा की ओर प्रीति और भक्ति बढ़ती है। तो ऐसे भगवान भागवत जी को हम गा रहे हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे स्थिते। सात दिन तक जो कथा को सुनता है उनके जीवन में तप की वृद्धि होती है और जो तप से, ज्ञान से, त्याग से नहीं मिलता है सप्ताह श्रवणे लभेत। सात दिन भगवान की कथा को सुनता है, गाता है और जीवन में उतारता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बढ़ती है, गुरु की महिमा बढ़ती है, गाय के प्रति उसकी प्रीति बढ़ती है। तैसी देवर्षि नारद जी ने कथा का आरंभ करवाया है गंगा के तट के ऊपर, उसके चारों वक्ता हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार और चारों भैया इस कथा को गाते हैं। देवर्षि नारद उसके यजमान बने हैं और प्रधान श्रोता में भक्ति देवी स्वयं यमुना के तट से उठ खड़ी होकर के आती है हरिद्वार के तट पर, गंगा के तट पर। अकेली नहीं आ रही है, उसके पूरे काफले परिवार के साथ आती है भक्ति देवी। जिस ज्ञान और वैराग्य में अचेत अवस्था थी, जो सो रहे थे, वही ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए देवर्षि नारद ने जब गंगा के तट पर यह कथा का प्रारंभ करवाया तो गंगा के तट से यमुना का तट करीब करीब किलोमीटर की दृष्टि में देखे तो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर भी कथा वहां हरिद्वार में शुरू हुई और यहां यमुना के तट के ऊपर दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत हुए। और जब जागृत हुए तब भगवान का संकीर्तन करते करते निकलते हैं। एवं नगाह श्रवणो रुधर में प्रकाश्यमाने ऋषि सभाया, हुआ क्या हुआ, बोले ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए, कथा का जो वाइब्रेशन हुआ, कथा का एक विचार चला, कथा का एक समय चला, कथा का एक प्रवाह चला और उस तरंगों में ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए। जो वेद के मंत्र काम नहीं कर पाए वो
भागवत जी के श्लोक को सुनते ही उसका वाइब्रेशन हुआ और दोनों जागृत हो गए। भक्ति सूतों तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासी। भक्ति के दोनों बेटे तरुण हो गए और भक्ति देवी जो युवान थी वो थोड़ी वृद्ध हो गई, तो सही बंद बैठ गया। माँ युवान थी वो वृद्ध हो गई और बेटे वृद्ध थे सो तरुण हो गए, तो अब माँ और बेटे के डिस्टेंस सही बन गया। फिर भगवान का नाम लेते लेते प्रेमेक रूपा प्रेमेक बन करके भगवान की ओर, भगवान की कथा की ओर, यमुना के तट से चले हैं गंगा की ओर। मुख में भगवान का नाम है, क्या गाते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सुचारुवेशां ददृशु सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयम् मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्त। श्रीकृष्ण गोविन्द पर आई और ऋषियों ने देखा कि भक्ति महारानी पधारी है उनके बेटों के साथ पूरे काफले के साथ, और जैसे ही आई सब संतों ने स्वागत किया। जैसे ही स्वागत किया और स्वागत करते ही आओ आओ देवी आपका स्वागत है, कथम प्रविष्टा अब मैं कहां रहूं? अरे मां देवी आप सब भक्तों के हृदय में बैठ जाओ ताकि सबके मन में भगवान की वृत्ति जगे, भगवान का प्रेम जगे, सदगुरु के प्रति प्रेम जागे, सेवा का भाव जागे। इसलिए हे देवी मध्ये मुनीना ये सब मुनियों के मध्य में आप विराजित हो जाओ। उचु कुमार वचनम तदानी कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरहसा ससुता निसम्य सनत कुमारम निज गादनम् ब्रा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण
जैसे ही भक्ति महारानी आई ज्ञान और वैराग्य को लेकर के, और आते ही ऋषियों ने जैसे स्वागत किया और स्वागत हुआ, भक्ति देवी सबके मध्य में बैठ गई। फिर भक्ति देवी ने अपने मुख से कहा, हे ऋषियों सुनो, कहती है भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमेक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं चतिष्टस्व सुधेय संस्रया निरंतरं वैष्णव महानसा। हे ऋषियो, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, मैं जहां बैठती हूं, मैं जिनके हृदय में बैठती हूं, उनका हृदय गोविंद के प्रेम से परिपूर्ण कर देती हूं। दूसरी बात, स्वरूप कर्त्री, मैं जिनके हृदय में बैठती हूं उनका स्वरूप भगवान की जैसा बना देती हूं, और जब भगवान के जैसा स्वरूप बन जाता है तो फिर उनके हृदय में प्रेमेक धरत्री प्रेम प्रकट हो जाता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तब क्या होता है, बोले भवरोग हंत्री, भव भव के रोगों को हर लेती है। तो भक्ति देवी कहती है, मैं जिनके हृदय में बैठती हूं वो भगवान के स्वरूप के जैसा बन जाता है, दूसरा उसके हृदय में प्रेम बढ़ता है, तीसरा वो भगवान के चरणों में प्रीति लगाता है, और भवो भव के जो रोग है, कौन से वाले रोग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान शंकराचार्य प्रभु कहते हैं, जो जगत में आना मरना जीना फिर से आना फिर से जाना, ये जो भवबंधन का चक्कर है वो टूट जाता है, भगवान के चरण में प्रीति हो जाती है। इसीलिए सात्वम चतिष्टस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि, निरंतरम वैष्णव मानसानि, निरंतरम वैष्णव मानसानि। जिनके भीतर मैं बैठती हूं उनके जीवन में धैर्यता आती है, वो कभी और कैसी भी मुश्किली में उस परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता है, वो भगवान में भरोसा रखता है, प्रेम रखता है, और निरंतरम वैष्णव मानसानी, उनका मानसिक पटल सदैव परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। और अंत में भक्ति देवी ने कह दिया कि हे ऋषियों सुनो, इस धरातल पे सबसे धनवान कौन है, मैं कहती हूं सुनो। भक्ति देवी ने कहा, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। कृष्णगोविन्दारे मुरारे हे
देवी कहती है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या, इस जगत में सबसे महान और धनवान वह है जिनके हृदय में निवसति रति येषां श्री हरेर भक्ति रेका, जिनके हृदय में हरि की भक्ति है, प्रीति है, प्रेम है, स्तेपि धन्या, वो धन्य है। सकल भुवन मध्य, पूरी पृथ्वी में वो धनवान है जिनके हृदय में भगवान की कथा है, जिनके हृदय में भगवान की प्रीति है, जिनके हृदय में गुरु प्रत्यय की आदरता है, जिनके हृदय में गौ माता की सेवा है, ऐसा जिनका भाव है वो इस धरातल पे स्तेपि धन्या, भक्ति देवी कहती है। इतना ही नहीं, हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय, हरिरपि निजलोकम, निजलोकम हरि अपि, इस लोक में जो हरि को अर्पित होकर के भक्ति के भाव में जो डूब जाता है, लेकिन वो कब बनेगा, प्रविशति हृदि तेषां, उनके हृदय में प्रविशति माने बैठ जाए कौन, भक्ति रे कहा, भक्ति देवी कहती है मैं जिनके हृदय में बैठ जाती हूं उनका मन भगवान के चरण में लग जाता है, और जो भगवान के मन, भगवान के चरण में जिनका मन लगता है वो इस धरातल पे सबसे धनवान है, सबसे धनवान। आज ही पूज्य महाराज जी वात्सल्य करुणा मूर्ति पूज्य महाराज जी ने गीता के वो प्रवचन में सुनाया था कि इस धरातल पे आकर के फिर पैसा कमाने में जीवन निकालना, अन्य कोई नामना बनाने के लिए जीवन निकालना, मेरे को लोग ज्यादा पहचाने इसमें जीवन लगाना, ये जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता उसी में है, जीवन वही सत्य है जिनका जीवन भगवान को प्राप्त करने में लग जाता है। इसलिए यह भागवत भी वही कहता है, भक्ति भी वही कह रही है कि जिनके हृदय में मैं बैठती हूं वो सबसे धनवान है। इसलिए हम कितने पैसा वाले हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कितने भगवान की ओर प्रीति रखने वाले हैं ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से ये अद्भुत भक्ति देवी का भाव, भक्ति देवी ने सबको आनंद दिया। उसके बाद सुत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए गोकर्ण उपाख्यान सुनाया है, जिनके हृदय में वैष्णव चित्त दृष्टा हो जाती है वो भगवान का भक्त वत्सल बन जाता है और भगवान उनके भक्त वत्सल बन जाते हैं। भक्ति की ओर जिनका प्रेम बढ़ता है, आविवेश स्वभक्तानाम, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का बन जाता हूं, एक बार भक्त मेरा बन जाए फिर मैं उनका बन करके रहता हूं। अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र इव द्विज, साधु बिरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रियः, भगवान कहते हैं मैं उनका बन के रहता हूं। तैसी भक्ति देवी पधारी गंगा के तट पर, आनंद तट के ऊपर, ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए और अद्भुत और दिव्य भागवती यात्रा चली। कहते हैं तुंग भद्रा नदी नामक एक तट है, वहां एक ब्राह्मण देवता आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी तुंदली रहती है। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभुत्पतनमुत्तमं
यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा ये नदी का नाम है, लेकिन तुंग माने क्या होता है? तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। जो श्रेष्ठ कल्याण करने वाला स्थान है उसको कहते हैं तुंगभद्रा। तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। वेद में कहते हैं आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो भद्रं कर्णे भी श्रणयाम देवा भद्रं पश्ये माक्ष विरजत्रा। भद्र माने कल्याण। ये वेद के मंत्र कहते हैं हमारी दृष्टि भद्र देखे, हमारे कान भद्र सुने। भद्र माने कल्याण, कल्याण हो ऐसी हमारी दृष्टि देखे और कल्याण हो ऐसा हमारे कान सुने और हमारा कल्याण हो ऐसा हमारा जीवन हो। तो तुंग भद्रा तटे पूर्व, तुंग भद्रा नदी नामक एक तट के ऊपर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण देवता रहते हैं और उनकी पत्नी का नाम है तुंदुली। ये तुंदुली माने बुद्धि, आत्मदेव माने आत्मा, तुंग भद्रा माने ये शरीर। ये भी नदी के जैसे बहता ही रहता है, आज पथमेड़ा में, कल कहीं, परसों कहीं, तरसों कहीं। तो कल्याणकारी देह रूप तुंग भद्रा में आत्मा रहते हैं और धुंधली माने बुद्धि रहती है। तो आत्मदेव और ये धुंधली दोनों इस शरीर में रहते हैं। संपत्ति बहुत है लेकिन संतति नहीं है, चिंता है। इतना पैसा है, इतनी जायदाद है, लेकिन हमारे पास संतति है, संतति नहीं है, पैसा है, क्या करेंगे। एक दिन आत्मदेव निकलते हैं घर से, गुरु के आश्रम में आते हैं और गुरु जी को कहते हैं, गुरु जी मुझको पुत्र चाहिए। बोले बेटा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, ये व्यर्थ बातें छोड़ो। मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम, मेरे यहां पुत्र हो और मेरा कल्याण हो, ये अज्ञान को छोड़ो। आप ही अपना श्रेष्ठ कल्याण कर सकते हो, बस भगवान का भजन करो, सेवा का कार्य करो, सदगुरु के वचनों में निष्ठा रखो, बस इसी से हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है। लेकिन मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम, इस अज्ञान को छोड़ो और भगवान के भजन में लग जाओ। बोले नहीं गुरुजी, मुझको कैसे भी पुत्र दो, पुत्र की कामना है मेरी। और जब ये बात कही तब कहा बलिष्ठा कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत बलिष्ठ है, इसलिए हे बेटा ये बात छोड़ो। लेकिन फिर भी आत्मदेव ने जब कहा कि नहीं मुझको पुत्र चाहिए ही चाहिए, तब गुरु जी ने फल दिया, लो ये आपकी पत्नी को खिलाना, आपके यहां बेटा होगा। आत्मदेव उस फल को लेकर के अपने घर पे आते हैं और अपनी पत्नी है उसको ये फल देते हैं, कहते हैं लो ये फल, इसको जब आप पाओगे आपके गर्भ में बेटा रहेगा और आपके यहां बेटा होगा। लेकिन जब फल दिया तब गुरु जी ने कह दिया, हे आत्मदेव आपको मैं ये फल दे रहा हूं लेकिन इस पुत्र से आपका कल्याण नहीं होगा, आपको अपना कल्याण करना है तो भगवान का भजन करो। फिर भी आप कह रहे हो तो मैं आपको फल देता हूं, लेके जाओ। फल लेके आए अपने घर पे, पत्नी को दे दिया। अब पत्नी ने इस फल को देखा, सोचा कि मैं इस फल को खाऊंगी, मेरे गर्भ में बालक रहेगा, 9 मास तक मेरे को इसकी वेदना को गुजारना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं इस फल को क्या करूं। उसी समय उसकी भगिनी, उसकी बहन वहां आती है और
अपनी बहन को कहती है, तेरे पास तेरे गर्भ में एक बेटा है, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुझको पैसा देती हूँ और तू मुझको बेटा दे दे और ये फल अपनी गाय को हम खिला देते हैं। तो आंगन में खड़ी हुई इस गाय माता के गाय माता को यह फल खिला दिया और दोनों बहनों ने आपस में समझौता कर लिया, एक को पैसा देना और एक को बेटा देना। नौ मास पर्यंत यह सिलसिला चला और परिपूर्ण मास हुए तब अपनी बहन के गर्भ से जो बेटा हुआ वो इस तुंदली ने ले लिया और बदले में बहुत सारा धन दे दिया। कुछ समय के बाद आंगन में खड़ी गाय माता ने भी एक बेटे को जन्म दिया। अब वो भी बिल्कुल मनुष्य जैसा है, मनुष्य ही मान लो। तो एक नहीं दो दो बेटे हो गए घर में। आत्मदेव को पता चला, आत्मदेव जी आए और आकर के दोनों बेटों का नामकरण किया है। एक तुंदली का बेटा है इसलिए धुंधुकारी नाम रखा, दूसरा बेटा गाय से प्रकट हुआ है इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। गो माने गाय, कर्ण माने कान, जिनके कान गाय जैसे हैं। एक बात ऐसी है, एक दृष्टि, लेकिन दृष्टि दूसरी दृष्टि जो भागवत की समाधि भाषा से जानी जाती है वो यह है, गो माने गाय, कर्ण माने कान। गो नाम वेद भी होता है और गो से इंद्रिया भी होती है। तो गो माने वेद और वेद से प्रतिपादित जो धर्म है उस धर्म को जो अपने जीवन में चलाने वाला है उसको भी कहते हैं गोकर्ण। कर्ण माने कान। हमारे यहां जीवन में दो रास्ते ऐसे हैं कि जिस रास्ते से हमारे जीवन में गलत प्रवृत्तियां आती है, एक तो आंख और दूसरे कान। गलत सुनने से हमारे जीवन में विकार आते हैं और गलत देखने से विकार आते हैं। ये दोनों रास्ते ऐसे हैं कि इस रास्ता हमको बिगाड़ता है। तो गोकर्ण नाम रखा है जिनके जीवन में वेद प्रतिपादित विचार हैं। दोनों भाई को गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन गोकर्ण जी तो पढ़े, तुंदुकारी पढ़ा नहीं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी तुंदुकारी महाखल, तुंदुकारी महाखल। गोकर्ण पंडित बने, ज्ञानी बने, तुंदुकारी महान खल बना। तुंदुकारी के जीवन में कोई ज्ञान नहीं आया और इतना अयोग्य कर्म करने लग गया। सव हस्तेन भोजनम, जिनके हाथों से भोजन ना किया जाए ऐसे हाथों से भी वो भोजन करता है। न खाना वो खाता है, न पीना वो पीता है, न करना वो करता है। एक दिन अपने पिताजी के पास पैसे मांगे, पिताजी पैसे दो। बेटा तू इतना पैसा कहां घुमा रहा है? बोले कुछ भी हो पिताजी आप मुझको पैसे दो। तो पिताजी ने कहा पैसे ऐसे थोड़ी मिलते हैं। एकदा पितरो ताड्य पात्राणि स्वयं आहरन, जैसे पिताजी ने पैसे देने की मना करी और उसी समय अपने पिताजी को वो मारने लग गया, गालियां देने लग गया। और जैसे ही गालियां देना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, तो अच्छा नहीं लगा गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने पिताजी को कहा, पिताजी इस बेटे के हाथ से आप ऐसे ही मार खाते रहोगे? उससे अच्छा समय हो गया है घर को छोड़ करके भगवान का भजन करो। क्यों? असार कलु संसारो दुख रूपी विमोहक,
सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम। हे पिताजी, ये असारूपी संसार में कौन किसका है? न बेटा बाप का है, न बाप बेटे का है। न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा। यहां कौन किसका है? ये तो सब जब इकट्ठे होते हैं जहां पे, वही परिवार बन जाता है। ये हमारे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे पति हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे बाप हैं, मेरे माँ हैं, ये भाई हैं, बहन है, क्योंकि ये एक परिवार में रहते हैं इसलिए। लेकिन हकीकत में हमारे आत्मा का सही रास्ता तो भगवान ही है। सुतः कस्य धनम कस्य, ये धन किसका, ये पुत्र पैसा किसका। इसलिए हे पिताजी, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। हे पिताजी, ये अज्ञान को छोड़ो, मोह होगा तो नरके गति ही, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करते हुए अज्ञान को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए आप जाओ, संसार को त्याग दो। और फिर तो गोकर्ण जी महाराज ने जब ये बात कही, आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ करके भगवान के भजन के लिए घर से निकलते हैं। लेकिन उसके पूर्व अपने बेटे ने, गोकर्ण जी महाराज ने दो श्लोकों में अद्भुत गोकर्ण गीता भागवत में बताई है। ये मात्र गोकर्ण जी का उपदेश अपने पिताजी के लिए नहीं है, हम और आप सब के लिए। कहते हैं, देहेस्ति महासरुधिरे भीमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि सं जगदिदा क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा वैराग्य पिताजी। देहेस्ति, देह ये शरीर, अस्ति माने हाड़ के, हाड़ चाम मांस मज्जा लहू आदि से शरीर बना हुआ है। इसलिए हे पिताजी, शरीर के ऊपर आप मोह मत रखो। दूसरा, जाया सुतादि सुसदा ममतां विमुंच, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये सब ममता का बंधन है, इसलिए इसमें भी आप ममता मत रखो। क्यों? पश्यानि सम जगत इदम, इदम जगत इदम पश्य, इस जगत को आप देखो कैसा है। बोले जगत क्षणभंग निष्ठम, एक क्षण मात्र में ये पूरा जगत टूट जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है, इस देह से आत्मा निकल जाती है, तो फिर क्या, उसके लिए पूरा उसका संसार पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हे पिताजी, इस देह के ऊपर आप इतने मोह मत रखो। और क्या करो? बोले वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य युक्त भगवान का भजन करो, बस उसी में आपकी जीवन की सार्थकता है। दूसरे श्लोक में कहा, धर्मं भज स्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिबत्वा हे पिताजी, धर्म का प्रतिपादन करो, धर्म को भजो। धर्म को भजना माने क्या? वैसे तो हमने अभी तक सुना है भगवान को भजो, ऐसा सुना है ना, लेकिन यहां भागवत कहता है धर्मम भजस्व। हमने संत भगवान के मुख से सुना है कि भैया भगवान को भजो, भगवान की भक्ति करो, लेकिन भागवत कहता है धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। धर्म का भजना क्या है? तो भागवत की यह दृष्टि है, धर्मम भजस्व का अर्थ है कि आपका जो फर्ज अदा करने वाला जो कर्तव्य है उसको निष्ठापूर्वक अदा करो। जैसे हम लोग अभी गृहस्थ हैं तो गृहस्थाश्रमियों का नियम है कि अपने परिवार को निभाए, बच्चे को बड़े करें, उनको पढ़ाएं, फिर उनके साथ अच्छे धंधा व्यापार रोजगार में लगाए, उसके बाद उनकी शादी आदि कुछ करें। तो ये सब हमारा व्यवहारिक कर्म बिल्कुल निष्ठापूर्वक हो, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का भजन और सेवा का कार्य भी बना रहे। कई बार भजने वाला, भगवान को भजने वाला इतना भजन में डूब जाता है लेकिन सेवा की बात आती है तो नहीं करते, बोले हमसे वो नहीं होगा। तो अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य में कभी पलायनवाद नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं धर्मम भजस्व। मान लो आप अपने घर में झाड़ू पोछा लगाती हो तो ऐसा समझो कि आज सांस नहीं देख रही है और कहीं ऐसे लगा करके पूरा कर लेते हैं, और सांस देखेगी तब फ्रिज के नीचे से भी निकालेंगे और बेड के नीचे से भी निकालेंगे कचरा, लेकिन वो नहीं देख रही है तो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से करते हुए पूरा कर लिया। तो ये अपने कर्म के भीतर निष्ठता नहीं बनी, वो हमारी फर्ज है, हमको करना ही चाहिए, ऐसा भाव नहीं बना, तो वो धर्म परायण नहीं हुआ कार्य। जैसे मान लो गोष्ठ में गए कहीं गौशाला के किसी गोष्ठ में और जाकर के चारा मिलाना है, लेकिन आज कोई देख नहीं रहा है और गौ माता को चारा वैसे ही डाल दिया, मिलाया नहीं कुछ, उसमें डाला नहीं, मिलाया वैसे गौ माता को खिला दिया, क्यों? बोले कोई कहां देख रहा था, आज नहीं करेंगे तो क्या कल कर लेंगे। ये वाला जब भाव भीतर जगता है कि आज नहीं करेंगे कल कर देंगे, हमको कहां कोई देख रहा है, तो समझना हम हमारे धर्म से च्युत हो गए, हमने उसमें से पलायनतावाद पैदा कर लिया। तो ये कहते हैं धर्मम भजस्व, अपने धर्म का प्रतिपादन करें। फिर त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग करके भगवान का भजन करे। क्या करे? बोले सेवस्व साधु पुरुषं, महापुरुषों साधु पुरुषों की सेवा करें। जहि काम तृष्णा, जहि माने क्रोध, काम और तृष्णा, इन तीनों का त्याग करें, और त्याग करते करते जीवन में सेवा का भाव अपनाएं। और अंत में कह दिया अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वा।
अन्य का दोष गुण का चिंतन न करें। कोई व्यक्ति जैसे मान लो गंगा के तट पे गए हैं भजन करने के लिए, सावन का महीना चल रहा है, लेकिन वहां गए तो कौन क्या कर रहा है, कौन किस कुटिया में रह रहा है, किस प्रकार से रहता है, कितना भजन करता है, कितनी बार गंगा में स्नान करता है, ये सब देखने जाएंगे तो अपना काम छूट जाएगा। जिस उद्देश्य से हम लोग वहां से यहां आए हैं वो उद्देश्य छूट जाएगा, इसलिए वो जो कर रहा है करने दो, हम क्या कर रहे हैं ये देखो, क्योंकि हमारी एक एक क्षण बिना भगवान के नाम से न जाए। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण और दोषों में न देखें, अपने ही गुण दोषों में विचार करें। और अंत में बड़ी बात करी भागवत जी ने, सेवा कधार समहो नितराम पिबत्वम, सेवा कथार समहो नितराम पिबत्वम, सेवा कथार समहो नितराम पिबत्वम, सेवा कथार समहो नितराम। सेवा पहले जीवन में सेवा होनी चाहिए, कहीं भी जाओ किसी भी स्थान पे जाओ, लेकिन भीतर में सेवा का भाव हो, सेवा करो। फिर क्या करो बोले कथा, फिर कथा को सुनो गाओ, फिर रस महो, ये सेवा और कथा, कथा का जो रस है उसको बहुत पीते रहो, नितराम पिबत्वम, निरंतर पीते रहो, क्योंकि इसी में भगवत आश्रयता है, इसी में भगवान का प्रेम है। तो गोकर्ण जी महाराज जी ने अपने पिताजी को इस ज्ञानोपदेश का चर्चा करी, फिर तो गोकर्ण जी महाराज जी के पिताजी आत्मदेव घर छोड़ करके निकल गए और भगवान का एक जंगल में आकर के बहुत बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए दशम स्कंद का पाठ करते करते करते, दशमस्य पाठात, दशम स्कंद का पाठ करते करते भगवान के चरणों में पधार गए। इधर गोकर्ण जी महाराज घर को छोड़कर के पैदल यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं और घर में तुंदुकारी और धुंधली दोनों रहते हैं, और दोनों को जब देखा, तुंदुकारी ने अपनी माँ के पास पैसे मांगे, माँ ने मना कर दिया, दो चार लाते लगाई, गालियां दी, क्योंकि ये तुंदुकारी का कार्य कुछ अलग था, पराई स्त्रियों में उसकी निष्ठा थी, मांस मदिरा आदि का भक्षण करता था, इसलिए पैसे की जरूरत तो रहेगी। तो अपनी माँ को कुछ रात को कह दिया, तो माँ ने रात रात के समय में उठ करके अपने गांव के पादर में कुआ था, उस कुएं में जाकर के अपने शरीर का त्याग कर दिया और प्राण का त्याग करते वो मर गई। सुबह में पता चला तुंदुकारी ने अपनी माँ का अंत्येष्टि कर्म कराया और फिर तुंदुकारी अकेला बचा है। पांच वेश्याएं आती है, उनके साथ में ये रहता है। अब घर में कुछ था नहीं, राजा का खजाने में जाकर के चोरी करी और वहां से चोरी करके धन ले आया और आकर के इस पराई स्त्रियों को देने लग गया। सोचा स्त्रियों ने कि ये जो पराया धन है कल पता चलेगा राजा को, राजा आकर के हमको दंड देंगे, इसलिए राव इसको ही मार डालते हैं। और रात्रि में इस पराई स्त्रियों ने इस तुंदुकारी को पैर से उल्टा लटकाया घर में और मुंह में दग दगते अंगारे डाल दिए और उसके गले में फांसा देकर के उसको मार डाला। तुंदुकारी जब मर गया, बहुत भयानक प्रेत बना वो। इधर अपने भाई गोकर्ण को पता चला कि मेरा भाई मर गया है, तो उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने गया जी में जाकर के श्राद्ध कर्म कराया, फिर अपने माँ का भी श्राद्ध कर्म कराया, पिताजी का भी श्राद्ध कर्म कराया और आए हैं घर पे आकर के सो रहे। एक दिन रात को ये प्रेत धुंधुकारी आता है और आकर के अपने भाई को कहता है, भैया मेरी मुक्ति कराओ। कौन हो? बोले मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। फिर तो कहते हैं मैंने गया जी में श्राद्ध करवाया। बोले एक दो नहीं, 50 नहीं, 100 श्राद्ध करवाओ, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं है। गया श्राद्धे सतेन, गया श्राद्धे सतेन,
मुक्तिर्मेण भविष्यति उपायम परं कञ्चित्वं विचारय साम्प्रतम्। हे भाई, एक नहीं 100 श्राद्ध कराओगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी तो? बोले, आप मेरी मुक्ति का कार्य करो। दूसरे दिन सुबह में उठते हैं गोकर्ण जी महाराज, उठ करके भगवान सूर्य नारायण को प्रार्थना करते हैं। सूर्य नारायण भगवान आकर के आकाश में से आकाशवाणी करते हैं, हे गोकर्ण, आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो कुछ और मत करो। श्रीमद भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनं करो। 7 दिन तक अपने भाई की मुक्ति के लिए भगवत कथा का गुणानुवाद गाओ और फिर भगवत कथा को गाई और 7 दिन में अपने भाई की मुक्ति हुई। भगवान का विमान आया और विमान में बैठ करके जब तुंदुकारी जाने लगता है और उसी समय उन्होंने कह दिया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। कृष्ण लोक का मुझको फल मिला है, धन्य है भागवत की कथा, मुझको मुक्ति दी। मेरे पाप रूपी मृगले थे वो सब भग गए। कंपन्ते सर्व पापानि। 7 दिन में मेरे पाप रूपी मृगले भगवान के धाम में पधार गए और मैं भी अब भगवान के धाम में जा रहा हूं। ऐसे भागवत जी को प्रणाम किया और भगवान के विमान में बैठ करके धुंधुकारी महाराज भगवान के धाम की ओर गति कर गए। इस प्रकार से अपने भाई की मुक्ति कराई, पूरे ग्रामवासियों की मुक्ति कराई, सबको आनंद दिया और गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए भागवत जी की कथा का ये गान अद्भुत किया। आइए, 2:30 बज गए हैं। पूज्य महाराज जी का ऐसा आदेश था कि यहाँ गांव धनासरा से जो पधारे हुए सब गो भक्त हैं उनका विदाई का समय अभी 2:30 बजे का था, ऐसे बताया था। तो आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं और 1-2 मिनट हरिनाम आश्रय करें और फिर आरती करके आज की कथा का विराम देंगे। कल फिर से कथा का गुणानुवाद होगा। जिनको समय मिले वो ज़्यादातर कथा में आते रहें और यहाँ जो अभी कल्पवास कर रहे हैं जितने भी भाई बहन, वो सब भी समय जैसे जैसे उचित हो उस प्रकार से समय सर कथा में आए ताकि कथा का बड़ा आनंद लेंगे। लाखों संख्या में यहाँ गौ माता कथा सुन ही रही है और प्रत्येक एक एक वृक्ष भगवान के रूप में यहाँ कथा सुन रहा है। तो इस भाव के साथ 1-2 मिनट हरिनाम आश्रय करें। कल की कथा में वक्ता और श्रोता के गुण धर्म की चर्चा करते हुए प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। 1-2 मिनट हरिनाम आश्रय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री जय राम।
गिरिराज धरण की जय, सुरभि भैया की जय, समृद्धि भैया की जय, जय जय श्री राधे, श्री राधे।